Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you all of you? I hope I doing great. Kirkum achena apnara bhalo. जी हाँ गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल ब्लू हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन. जी हाँ, मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस हेयर कलर ट्यूटोरियल हाउ आई डिड इट. एज यू कैन सी दिस रेड वन, या दिस रेड कलर इज ऑल्सो आई डिड इट लास्ट टाइम. लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था रेड हेयर कलर का, वो भी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा. दे आर यू नो दे आर माई वेरी रेगुलर क्लाइंट एंड द क्लाइंट एज यू कैन सी द रेड कलर शी इज़ अ BTS फॉलोअर. जी हाँ, उनका प्रीवियस वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ. और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दिस हेयर कलर इज ब्लू हेयर कलर जो कि बहुत ही ज़्यादा इन है. ब्लू इज दिस कूल कलर फॉर दिस समर स्पेशल. जी हाँ, Go for this blue cool color for this so hot weather. Yes, it's so hot outside as you can see. April, May, June, July is so hot. Go for nice green, cool, violet blue color. तो इसका tutorial देखना तो बनता ही है. But before that, would like to share everyone guys, अगर आप लोगों ने first time मेरे channel में visit किया है तो जल्दी से मेरे channel को subscribe कर दीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा. जी हाँ, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. सो व्हाइल वेटिंग फॉर, मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. जी हाँ, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू कैन सी हियर बिफोर हेयर कलर एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैराडाइज कलर. और उससे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 40 वॉल्यूम के साथ बेला का ब्लॉन्जर, जहाँ मिक्सिंग रेशियो होने वाला है 1:2. और यहाँ पे हम चलते हैं, इस टेक्निक्स को करते हैं. तो दिखाना चाहती हूँ ये टेक्निक, क्या टेक्निक है, क्या पार्टीशन किया है. यहाँ पे प्रोफाइल क्लासिक सेक्शन किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. जी हाँ, शी वांटेड टू कीप सेंटर पार्टीशन, दैट्स व्हाई जो भी पार्टीशन क्लाइंट रखती है उस पार्टीशन को ही रख के आप काम करेंगे. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैक साइड इज़ वेरी वेरी शॉर्ट है. जी हाँ, तो उस हिसाब से आपने अच्छे से सेक्शन क्लिप से टक करना है. सबसे पहले मैं प्री लाइटनिंग करूँगी. वेला का ब्लॉन्डर लिया 40 वॉल्यूम के साथ और यहाँ पे मैं प्री लाइटनिंग करूँगी. तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो टेक्निक्स कर रही हूँ, मैं फॉलियाज करूँगी और चंक्स लूँगी. तो दिस इज़ कॉल्ड चंक्स. यहाँ पे मैंने दो चंक्स लिया है, मोटा मोटा चंक्स ले लिया है और यहाँ पर मैं अच्छे से प्री लाइटनिंग कर रही हूँ. तो जैसे देखा होगा आपने, 40 वॉल्यूम मैंने क्यों लिया, बिकॉज शी हैज़ अ थिक टेक्स्चर और उनको ब्लू कलर चाहिए. हिना वो नहीं लगाती है. प्रीवियस कलर मैंने ही किया था रेड कलर, उसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया, अपलोड किया हुआ, यूट्यूब में जाके देखिएगा. जी हाँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है गाइज, 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए. जाइए, टाइप कीजिए, देखिए. आपको ना यूट्यूब में टाइप करना पड़ेगा हेयर कलर बाय श्यामाज मेकओवर, या फिर गैलेक्सी हेयर कलर बाय श्यामाज मेकओवर, रेनबो हेयर कलर बाय श्यामाज मेकओवर, पिकॉक हेयर कलर बाय श्यामाज मेकओवर. जो भी आप देखना चाहते हो टाइप करो कीवर्ड टूल्स, स्पेस दो, राइट करो श्यामाज मेकओवर, देन यू सी अमेजिंग हेयर कलर्स, हेयर कट. I do it for you, all of you, so that you can learn and grow. So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो बॉटम वाला हेयर है वहाँ पे मैं चंक्स कर रही हूँ, मोटा मोटा थिक थिक चंक्स ले रही हूँ. आप यहाँ पे स्मॉल फॉइल पेपर भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे बिग साइज ले रही हूँ, सो दैट आई कैन जस्ट फोल्ड ईजिली. एंड यस, तो इसी तरह क्लाइंट का लेफ्ट सेक्शन एंड राइट सेक्शन करना है. देखते रहिएगा वीडियो लास्ट तक, जाइएगा नहीं. सो गाइज, नाउ आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन. यहाँ पे अगेन मैं डायगनल बैक सेक्शन ले रही हूँ. वेन यू टेक अ डायगनल बैक सेक्शन, यूर कलर ब्लेंडिंग इज सो नाइस एंड फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू बी सो ब्लेंडिंग. जी हाँ, जब आप डायगनल बैक सेक्शन लेते हो तो जो लास्ट का जो एंड रिजल्ट है तो बहुत ही ब्लेंडिंग दिखता है. यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने तीन चंक्स लिया है और बैक कमिंग कर रही हूँ, विच इज़ कॉल्ड टेक्निकली वर्ड में अगर हम बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टीजिंग. एंड यहाँ पर हमने फॉइल पेपर को फोल्ड किया और यहाँ पे मैं अच्छे से प्री लाइटिंग कर रही हूँ, वही 40 वॉल्यूम के साथ. तो अगर इस टेक्निक को बात करेंगे, हम चंक्स ही ले रहे हैं, मोटा मोटा चंक्स ही लेके पूरे वॉल्यूम में ओवरऑल करेंगे.
फॉर द टाइम बीइंग बैक साइड से हम चंग्स ही ले रहे हैं, आगे देखते हैं। लास्ट तक देखिएगा, जाएगा नहीं, क्योंकि आज के इस ट्यूटोरियल में आप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखने वाले हो।
सो गाइज, इस सेक्शन को हमने करना है ओमरे टेक्निक के साथ। हमें इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, फ्रंट साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने डायगनल बैक सेक्शन लेना है। एंड बॉटम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ओमरे टेक्निक ऑन द बॉटम, राइट। यहाँ पे अगेन हम प्री लाइटनिंग के साथ ही काम कर रहे हैं। 40 वॉल्यूम ही हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग। और जो एप्लीकेशन है बहुत ही ब्लेंडिंग होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप एप्लीकेशन करते हो बहुत मेसी मत करना। और साथ ही साथ इसको मैंने फोल्ड कर दिया है फॉइल पेपर को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अपने फॉइल पेपर को फोल्ड कर चुकी हूँ, ठीक है। कॉर्नर से भी आपने इसको कवर कर लेना है। एंड अगेन अनदर सेक्शन, यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ। सेकेंड सेक्शन जो मैं लूँगी वो सारा डायगनल बैग होगा, मतलब सेंटर पार्टीशन है पर सेक्शनिंग डायगनल है। डायगनल बैक लिया है, पार्टीशन सेंटर है बट जो सेक्शनिंग है वो है डायगनल बैक सेक्शन। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैं यहाँ पे अगेन चंक्स ले रही हूँ। तो ओवरऑल मैंने चंक्स ही लिया है, मोटे मोटे चंक्स लेके बैक कमिंग करके टीजिंग करके एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एप्लीकेशन किया है, सेम वे आपने राइट साइड में भी एप्लीकेशन करना है। सो कीप कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल में इस कलर को किया कैसे है। लास्ट लिफ्टिंग, जी हाँ, ब्लू की हम बात करते हैं। लिफ्टिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिफ्टिंग कौन से लेवल में करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी इस ट्यूटोरियल में। पैराडाइज करके ये ब्रांड है जो हम इनके बालों में अप्लाई करने वाले कलर, सो विच इज़ डिफरेंट ब्रांड पैराडाइज। तो क्लाइंट ही शी ओनली बॉट दिस कलर, शी सेड जस्ट वॉन्टेड टू पुट दिस। वैसे तो आई ऑलवेज यू फॉर क्रेजी कलर आई ऑलवेज यूज स्ट्रिक्स, बट शी बॉट दिस कलर पैराडाइज। तो हमने यही कलर लगाया इनके बालों में। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, देखते रहिए, जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें सिखाना है आपको। Yeah.
तो गाइज देखा आपने यहाँ पे जब मैंने पूरा एप्लीकेशन कर लिया और आई हैव टू अचीव दिस 10 to 11 level यू नो 10 to 11 level लिफ्टिंग. जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने दोबारा भी एप्लीकेशन किया था 30 volume के साथ. वो वीडियो जो है बीच में मैंने ऐड नहीं किया, बट मैं आप लोगों को वर्बली बताना चाहती हूँ कि 30 volume के साथ मैंने ये प्री लाइटनिंग को मिक्स करके यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन किया. और उसके बाद जब लिफ्टिंग आई, 10 to 11 level लिफ्टिंग होना चाहिए अगर आप चाहते हो ब्लू के लिए. सिल्वर मैग्नीशियम शैम्पू यहाँ पे यूज़ किया है और बालों को अच्छे से पैराडाइज कलर में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फुल ड्राई करने के बाद. दिस कलर इज सो नाइस की जो फ्रेग्रेंस है इतना ऑसम था इसका फ्रेग्रेंस. एंड हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग दिस ब्लू पैराडाइज ब्लू हेयर कलर. जी हाँ, अब हमने क्या करना है, सेक्शन बाय सेक्शन पतला पतला सेक्शन लेना है. और जी हाँ, यहाँ पे जो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हुए पूरे बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करना है. और अगर मैं आपको बताऊँ कि जब आप ब्लू या एश ग्रे या यू नो कई बारी एश ग्रे और ब्लू की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको प्री लाइटनिंग बहुत ज़्यादा लिफ्ट होना चाहिए, 10 to 11 level लिफ्टिंग होना चाहिए, तब भी जाके एक्चुअल कलर आता है. अगर आप 8 के level पे 9 के level पे कर दोगे तो वो ग्रीनिश हो जाएगा. आई मीन इट विल बिकम मैट और ग्रीनिश. तो मेक श्योर जब भी आप एप्लीकेशन करते हो उस सिचुएशन में जो आपका अंडरकोट है 10 to 11 level होना चाहिए. सो गाइज वुड लाइक टू शेयर एवरी वन, इन दीज डेज आई हैव अ ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेज गोइंग ऑन. यू कैन गो फॉर अ ट्रायल सेशन फॉर ऑनलाइन क्लासेज. जी हाँ, आप लोग ट्रायल सेशन ले सकते हैं ऑनलाइन क्लासेज में. एंड वन सेशन इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माई साइड. And you can just have a look that how I teach. Thank you so much. And you can just check it on the screen, my contact number. After application, you have to leave this color at least 45 minutes. And as you can see here, after 45 minutes, before and after transformation, really such a beautiful color है. आप लोगों को आई होप गाइस ये कलर बहुत अच्छा लगा होगा. जहाँ पे आपने देखा कि पहले प्रीवियस हेयर कलर जो है वर्जन था 4 और बॉटम में उनका रेड हेयर कलर था जो हमने प्रीवियस कलर किया था. एंड हियर यू कैन सी आफ्टर जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू टिंच है. दिस इज पैराडाइज ब्रांड है. सो आई ऑलवेज यूज स्ट्रीक्स ब्रांड, बट दिस इज़ पैराडाइज हेयर कलर. सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कलर. एंड या तो एज यू कैन सी इधर बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कैसे लगा ये ट्यूटोरियल. ऑल्सो गाइज लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर पहली बार आपने चैनल में विजिट किया है तो. और इनका मदर का भी कलर आप देख सकते हैं रेड, अगर वो कलर भी देखना है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय गाइस, सी यू वेरी वेरी सून. बाय.